अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट मैसम अब्बास। और आज की ये एपिसोड, आज का ये सेगमेंट बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ शहर लाहौर के अंदर, एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट के घर, और फन खताती से वो मुंसलिक हैं। ना सिर्फ उनका आर्ट जो है वो बहुत ही शानदार है, बाकमाल है, बल्कि उस आर्ट के ज़रिए वो पैसे भी कमाती हैं। और तकरीबन 10 से 12 साल से ये शानदार काम जो है वो कर रही हैं, इस्लामी आर्ट से वाबस्ता हैं, आयशा कमाल। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, साथ रहिएगा। जब मैं बहुत छोटी थी, जब कुरान पाक पढ़ती थी ना, तो जब कुरान पाक पढ़ती थी तो उसके अल्फाज, जैसे जो भी सूरत पढ़नी, तो वो मुझे ऐसे घूमते हुए वर्ड नज़र आते थे, तो उनको फिर मैं हवा में लिखने की कोशिश करती थी। तो फिर घर वाले कहते थे ये क्या लिखती रहती है। तो फिर मुझे इस तरह लिखने का दिल करता था, तो फिर उसको मैं पेपर पे लिखना शुरू किया। पाकिस्तान में जो सबसे बहुत बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स हैं, जिससे मैंने, जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक और ज़्यादा हुआ था, वो साद कैन, जो हमारे ग्रेट आर्टिस्ट हैं, उनकी मैंने पेंटिंग्स देखी थी, ठीक है। उसके बाद अब जो बहुत बड़े लेवल पे जो बहुत बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं, वो मेरी हैं, जो गवर्नमेंट में वहाँ साहिवाल में लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब तो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं घर वाले सब, तो मेरी तो लाइफ चेंज हो गई है। पता नहीं अब अल्लाह ताला को कौन सी बात पसंद आ गई है। इस काम से मुझे इतनी इज्जत मिली है ना, आज तक मैंने कोई बैड कमेंट नहीं में देखा। तो मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मैं शुक्र अदा करते करते मैं खुशी से ही रो पड़ती हूँ। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। आयशा कमाल से हमने आज आपको मिलवाया है, और इनका जो फ़न है, जो हुनर है, वो वाकई ही बाकमाल है। और यकीनन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनसे मोटिवेट हुए होंगे और फ़न खताती की जानिब आना चाहेंगे। यकीन करें, पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और हम उनको लेकर सामने आते रहेंगे। इसका और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आपको दिखाता रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।